अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने जो VN एडिटर ऐप है उसका इंटरफेस के अबाउट स्टडी करेंगे, देखेंगे, और इसके साथ साथ उसके अंदर जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं सारे उनको मैं डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है, और आगे चल के हम उनको प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और चल के देखते हैं उन सारी चीज़ों के अबाउट। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस था लास्ट टाइम। सिंपल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, एडिटिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको क्लिक करना पड़ता है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इन सारे ऑप्शंस की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ गाइड के ऑप्शंस हैं, अगर आपको कोई किस किस्म की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं, किस किस्म का ट्यूटोरियल देखना है इनका या वट एवर, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखें इस तरह से कुछ और इस तरह से कुछ, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी तरह से हम इसको रखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से भी सेम आप क्या कर सकते हैं, हेल्प के रेलिवेंट उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ अभी के लिए, और ये ऑप्शंस हो गए। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है स्टॉक, हमें कोई भी वीडियो अपने लैपटॉप से, कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी अपने लैपटॉप से यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे देखें माय स्टॉक्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखें माय स्टॉक, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखें इंपोर्ट का ऑप्शन है। सिंपल ये आपका जो है, आप कोई भी इमेज यहाँ से या कोई भी वीडियो या जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे, राइट, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट इन्हीं की तरफ से कुछ चीज़ें हैं मौजूद, आप कोई चीज़ आप फेवरेट करेंगे, लेट्स से आप इसको जो है फेवरेट करना चाहें तो ये फिर इस सेक्शन के अंदर शो हो जाएगी, राइट। तो इसको मैं राइट नाउ अनफेवरेट कर देता हूँ, इसको मैं अनफेवरेट कर देता हूँ, राइट, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको जितना भी आपका स्टॉक है, आपकी वीडियो एडिट्स हैं, सॉरी जो आपने इंपोर्ट की हुई है रॉ के अंदर, जिनको आप एडिट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं टाइटल्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप अपने वीडियोस के अंदर यूज़ कर पाएंगे। म्यूज़िक है यहाँ पे, म्यूज़िक इनका ऑलरेडी गिवन है उसको आप यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे अपना म्यूज़िक भी यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे यहाँ से अपने लैपटॉप से। इसके बाद यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, कार्टूनिश हैं, फ़नी हैं, जिस तरह से अक्सर आप देखते हो कि वीडियो के बैकग्राउंड के अंदर कोई फ़नी साउंड आ रहा होता है, तो वो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, देख पाओगे, उनको यूज़ कर पाओगे, राइट। मैं एक आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे, और मैं इसको प्ले करता हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ें ऐड की, अब इसको मैं वापस लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं इस पर क्लिक करूँगा और वो गायब हो जाएगा। रीडू और अंडू का ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें कुछ टाइमलाइंस के ऊपर कुछ चीज़ हैं, ये टाइमलाइंस क्या होती हैं आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखें इनके अंदर से मुझे अगर कोई टाइमलाइन गायब करनी है या ऐड करनी है तो मैं इन ऑप्शन से ऐड करूँगा। लेट्स से मैं अगर ये वाली म्यूज़िक वाली टाइमलाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, अगर ऐड करनी है दोबारा। इसी तरह टेक्स्ट वाली नहीं चाहिए तो इसी तरह इनको कर सकूंगा। और यहाँ पे हमारे पास माइक है, मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ किसी भी वीडियो के लिए इसको यूज़ करते हुए, तो बाद में चल के देखेंगे हम आगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपनी वीडियो के डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, हम किस चीज़ के लिए एडिट करना चाह रहे हैं। अगर मैं टिकटॉक के लिए एडिट करूँगा तो देखें टिकटॉक वाला फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है, और अगर मैं इंस्टाग्राम वाला यूज़ करूँगा तो देखें इंस्टाग्राम वाला फॉर्मेट, यूट्यूब के लिए एडिट कर रहा हूँ तो यूट्यूब वाला फॉर्मेट यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे एक वीडियो ज़रा ऐड करता हूँ, उसके बाद ये ऑप्शंस मेरे पास अनलॉक होंगे, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस हैं हमारे पास डिफरेंट जो हैं कलर्स के रेलिवेंट, हमारे पास फिल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनको आप क्या कर सकोगे, ऐड कर सकोगे और उनको उनकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकोगे अपने उसके अंदर। उसके बाद अपने वीडियो के कलर करेक्शन, आप यहाँ से किसी भी तरह के कलर करेक्शन यहाँ पे कर पाओगे आप, ठीक है, हर तरह की कलर करेक्शन अपनी वीडियो की आप यहाँ से कर पाओगे।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्पीड का। अगर आप अपनी वीडियो के स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, स्लोमो बनाना चाहें, तो यहाँ से आप उनको यूज़ कर पाएंगे। आगे चल के हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, राइट। उसके बाद अपनी वीडियो की साउंड को आप इंक्रीज करना चाहें, कम करना चाहें, वो सारे साउंड कंट्रोल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लर कितना करना चाह रहे हैं, ये देखें, साइडों से जो ब्लर है वो कितना करना चाह रहे हैं, उसका यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर कोई जो है बॉर्डर ऐड करना चाहें इस वीडियो के इर्द गिर्द, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे जूम आउट, जूम इन। अगर मैं इनको जूम आउट जूम इन करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ इसको नन रहने देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी, हम अपनी वीडियो की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहें कुछ इस तरह से, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन हो गए।